रिपीट का सपना, कांग्रेस भी मैदान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों हर जगह भगवा ही लहराता हुआ नजर आ रहा है। वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में होने जा रहे चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। आजकल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय शिविर चल रहा है और इसी शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं। उनके साथ ही भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी धर्मशाला में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह ही नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पूरे उत्साह के साथ मैदान में डटी हुई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश प्रधान प्रतिभा सिंह इन दिनों राजस्थान के उदयपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने गई हैं और वहीं से एक रणनीति लेकर वह वापस हिमाचल पहुंचेंगे। उसके बाद देखना है कि दोनों पार्टियों में किस तरह से कश्मकश जारी रहती है। ऐसे में आने वाले दिनों में चुनावी मैदान में और भी कई नजारे देखने को मिलेंगे। धर्मशाला में भगवा जोश हाय। जी हाँ, भगवा जोश मतलब आप समझिए भाजपा से जुड़े हुए युवाओं का जोश हाई। बात हो रही है धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की। तीन दिन का शिविर है, इसकी शुरुआत हो रही है कल से जी। जमीन पर कैसी तैयारियां, सबसे पहले आप क्या व्यवस्था किया की जा रही है उसके संबंध में मैं आपसे जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, सियासी तौर पर हिमाचल जो है वो राष्ट्रीय परिदृश्य में नजर आने लगा और कल से भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो राष्ट्रीय शिविर है और इस शिविर के लिए पूरी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं तेजस्वी सूर्या जी वो भी जमीन की तैयारी की बात करें तो देखिए झंडों से शहर पटा हुआ है। बिल्कुल कटआउट्स लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, एक तरह से उत्साह का माहौल है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और साथ में कहीं ऐसा भी लग रहा है, ऐसी इनपुट भी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वो भी साथ दे रहे हैं। तो धर्मशाला शहर सजा हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब ये पिछले दो तीन दिन से प्रक्रिया थी, कल तो शुरुआत हो रही है, तो आज अगर आप धर्मशाला की छटा देखें तो आपको भगवा भगवा नजर आ रहा है, इसलिए हमने भगवा जोश आई होने की बात की। तेजस्वी सूर्या की बात कर रहे हैं, आप कर्नाटक के सांसद, फायर ब्रांड यंग, आप जिसको बोलते हैं टर्क भाजपा के, बहुत चर्चा में रहते हैं। आप चाहे खबरों की बात कर लीजिए, चाहे नेशनल मीडिया की, सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, बहुत पॉपुलर हैं ये यूथ के बीच में। आज ये धर्मशाला आ पहुंचे हैं, कल से शिविर शुरू होने, देखिए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सुबह पहुंच गए धर्मशाला। मतलब क्या है इसका ओंकार जी, क्या इसका ये मतलब है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा इस मीटिंग को बहुत या इस आयोजन को बहुत गंभीरता से ले रहा है, क्या कहेंगे, क्या राय है? बिल्कुल सही कहा आपने, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जो है आयोजन से एक दिन पहले ही यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरे कार्यक्रम की जो है तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है और तैयारियां परखने के बाद कल क्या क्या होना है उसका पूरा बाकायदा एक लिस्ट बना ली गई है। ये जो अभ्यास शिविर है इसमें कहां किस समय पे क्या होना है, कब पूरी रूपरेखा जो है रूपरेखा सारा उन्होंने खाका तैयार कर लिया है। हाँ, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पे वर्कआउट भी किया है, वो सारी तैयारियां खुद पर रख रहे हैं। ओंकार जी देखिए, तेजस्वी सूर्या ने आज जब वो गगल एयरपोर्ट पर लैंड हुए उन्होंने पत्रकारों से बात की, उन्होंने उस समय ये दावा किया कि देखिए हिमाचल में मिशन रिपीट होगा भाजपा की सरकार का। मोदी जी के बारे में तो उन्होंने कहा है कि वहां पे फिर से सेंटर में गवर्नमेंट आएगी, मान लेते हैं इस चीज को। धर्मशाला को दो नजरियों से देखा जा रहा है चुनने का या हिमाचल को वेन्यू चुनने का। एक तो यह है कि मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हालांकि आप धर्मशाला की बात कर लें गर्मी यहाँ भी कुछ कम नहीं है, खासकर दिन की बात करें, हालांकि आज लग रहा है कि थोड़े बारिश के आसार बन रहे हैं, अगर फुहारें ठंडी हुई। कुछ सैलानी मिले थे ओंकार जी एक दो दिन पहले, वो बता रहे थे कि धर्मशाला भी बहुत गर्म है और हिमाचल भी बहुत गर्म है, तो अब सच में ही गर्मी साल इतनी पड़ रही है तो किसी को ये बताया भी नहीं जा सकता कि नहीं नहीं ऐसा यहाँ होता नहीं है, इसी बार हो रहे हैं, खैर ऐसी कहीं नहीं जा। तो देखिए दो कारण दिखते हैं गार्ची, एक तो चलिए मान लीजिए कि आबो हवा बढ़िया है जी जी, और दूसरी बात हिमाचल जो है वो चुनावों में उतर रहा है या हिमाचल की राजनीति जो है इस वक्त इसलिए भी सरगर्म है क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं कुछ महीनों में, समय चाहे दिसंबर का हो या जैसे कहा जा रहा है कि आसार लग रहे हैं कि कहीं सितंबर में ही ना हो जाए। तो ओंकार जी आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो हमारा आयोजन हो रहा है इसका क्या इसलिए हो रहा है यहाँ पे कि जो हिमाचल का युवा है खास करके भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ वो थोड़ा जोश में नजर आए और उसका थोड़ा एक टेम्पो बना दिया जाए? हाँ बिल्कुल अनिल जी, भाजपा वैसे भी युवाओं की पार्टी के नाम से जानी जाती है और तेजस्वी सूर्य का दावा
जो उन्होंने किया कि रिपीट करेंगे, तो आने वाले चुनाव में इसका पूरी तस्वीर सामने आएगी कि पार्टी रिपीट करती है या नहीं करती है। पर जहां तक जोश की बात है तो जोश बहुत हाई है और इनकी जो आज की कल की जो शिविर की तैयारियां उनसे तो बिल्कुल सामने आ रही है बात के बहुत कुछ वहां होने वाला है और काफी कुछ संदेश जो है वो युवाओं को दिया जाने वाला है। युवाओं को संदेश दिया जाना है। यहाँ पे ये चेहरा जिसका हम बात कर रहे हैं बार बार, तेजस्वी सूर्य सांसद, युवा सांसद, इनको देखा जाना बहुत जरूरी रहेगा। ये क्या इनके बयान आते हैं, क्या इनकी गतिविधियां रहती हैं, इस पे आप पूरी नजर रखिएगा। ये भविष्य का चेहरा है भारतीय पॉलिटिक्स का, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। अच्छा ओंकार जी, एक और चीज देखिए, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग जो है वो एक विचारधारा से जुड़े लोग हैं, पूरे देश के लोग पहुंच रहे हैं, 200 के लगभग इनकी संख्या बताई जा रही है, थोड़ी ऊपर या नीचे, जाहिर है पार्टी लाइन के आसपास बात होगी, लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसे युवा मामले हैं आजकल देश के जिन पे ऐसा लगता है कि संगठन की बैठक में या जो आयोजन इसमें चर्चा हो सकती है, होनी चाहिए, क्या जनता सोचती है हिमाचल की? जी बिल्कुल अनिल जी, अभ्यास शिविर की खासियत भी यही होती है कि एक ही जगह से पूरे राष्ट्र को संदेश दिया जा सके। हालांकि ये देखना दिलचस्प रहेगा कि युवाओं के मसलों को कैसे इस शिविर में संबोधित किया जाता है। और बड़े मसलों का जी, अगर युवाओं के नजरिए से देखे जाए तो एक तो रोजगार है, रोजगार, और दूसरा शिक्षा के और अच्छे अवसर, कुछ ऐसी शिक्षा जो भी जिसके मानक बहुत ऊंचे हों। बहुत से देखिए, बहुत से पढ़े लिखे युवा जो हैं या जिन जो थोड़े कर सकते हैं, जो स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जिनके घर से पैसे अच्छे होंगे जिनके पास, वो बहुत बेहतर पढ़ाई के लिए विदेशों में अभी भी जा रहे हैं। तो एक तो शिक्षा के जो संस्थान है देश में उनको थोड़ा और उन्नत करने की जरूरत है, ताकि कम से कम ऐसा ना हो कि विदेश जाने की सोचे, जो ब्रेन ड्रेन की हम बात सुनते आए है ना। और दूसरी बात है रोजगार की। अच्छा, इस नजरिए से थोड़ा हिमाचल पे भी अच्छा रहेगा कि इस ये जो आयोजन होने वाला है, हालांकि राष्ट्रीय होगा लेकिन हिमाचल की बात हो रही है, तो हिमाचल के नजरिए से इस पे विचार हो, कुछ अगर सुझाव आए इसमें, कुछ बाद में जब सामने आता है इनका कुछ भी जो कार्रवाई होती है उसमें, कम से कम ऐसी कोई सरकार से अपील जरूर हो। क्या कहेंगे आप इस मसले? बिल्कुल इसमें होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने ब्रेन ड्रेन की बात की, तो मैं भी यही कहूंगा कि जो युवाओं का पलायन हो रहा है वो बाहरी देशों में जा रहे हैं, तो क्यों ना हिमाचल में ही, देखो कई भारत की बात कर रहे हैं है ना जी, अब ठीक है भारत में ही कर ले, कब से विदेश की नौबत ना है। जी ओंकार जी, तो उसमें ये होना चाहिए कि कई पहले भी कई सरकारें आई हैं और उनके, और वर्तमान सरकार भी ये कहती है कि जी हम हिमाचल में जो है वो बायोटेक पार्क खोलेंगे, कई तरह की घोषणा, कई तरह की घोषणाएं करेंगे। तो यही समय होता है चुनाव से पहले का ही समय होता है कि अगर कोई दावा या वादा किया जाता है तो उस पर हमें खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए और उतरना भी चाहिए। जी जी, तो ये शिविर अगर ये संदेश देता है कि आने वाली सरकार जो है वो युवाओं के लिए कोई बड़ा प्रोग्राम लेके आ रही है, तो इससे पूरे भारत को, पूरे देश को जो है संदेश जा सकता है। जी जी, देखिए हिमाचल में कम फैन नहीं है तेजस्वी सूर्य के, तो एक यादगार रह जाएगी कि तेजस्वी सूर्य यहाँ आए थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय यहाँ पे अभ्यास शिविर लगा था और उस दौरान ये मांग बुलंद हुई थी कि हिमाचल में, और अगर धर्मशाला में आ पाए, बहुत जगह है, यहीं पे बोल दीजिए, कोई तो डिमांड उठ जाए जिसको केंद्र सरकार मान ले कि जी हाँ युवाओं के नजरिए से, जो हर तरह जो विचारधारा के लिए ना हो, जो पूरे देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मानक हो, ऐसा कोई संस्थान हो, ऐसा कुछ भी हो जो युवाओं के लिए समर्पित हो, और यहाँ से इस जो आयोजन है, राष्ट्रीय आयोजन है तेजस्वी सूर्य के, इसमें हो रहा है ये अध्यक्षता में, उसमें से कुछ मांग उठ के आए ऐसी और वो मूर्त रूप ले, अच्छा रहेगा युवाओं के लिए। अच्छा कांग्रेस की बात कर लेते हैं बाजे, कांग्रेस एक तो चलिए आज पंडित सुखराम वो हम बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन उदयपुर निकल गई है प्रतिभा सिंह। जी जी बिल्कुल, प्रतिभा सिंह कौन, हिमाचल कांग्रेस की जो नई अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, वो इन्होंने कहा भी कि मैं वहाँ नहीं जा पाई मंडी आज सुखराम जी को अंतिम प्रणाम करने, लेकिन वो बाद में आएंगे ऐसा उन्होंने कहा। तो वो निकल गई हैं जी कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ पे हो रहा है उदयपुर में, राजस्थान में। ओंकार जी देखिए, चलिए राष्ट्र की बात तो होगी ही, लेकिन आप कितना इसमें ये देखते हैं कि देखिए हिमाचल इलेक्शंस में जाने वाला है गुजरात के साथ इस साल, तो प्रतिभा सिंह की मौजूदगी के वहाँ क्या मायने हैं? मुकेश अग्निहोत्री भी जा रहे हैं शायद वहाँ, क्या कहेंगे आप?
देखिए अनिल जी, प्रतिभा सिंह ने जिस दिन से बतौर अध्यक्ष की कुर्सी यहाँ संभाली है हिमाचल कांग्रेस की, तो वो लगातार जो है हाईकमान के संपर्क में है। जी सही है, ठीक है। और कांग्रेस हर रोज जो है उसके बाद ऊर्जावान होकर जो है लोगों के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने आती है, और हर दिन कोई ना कोई जो है एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क को पूरा किया जाता है, चाहे वो सदस्य बढ़ाने का टास्क हो या ग्राउंड पे काम करने का टास्क। तो वो कांग्रेस जो है वो जमीन पर अब दिखने लगी है, और उदयपुर का जो सम्मेलन है वो इस सम्मेलन का जो परिणाम है वो आने वाले दिनों में सबके सामने होगा, क्योंकि इससे यही संदेश जो है वो निकल के शायद आने वाला है कि हमें चुनावों की रणनीति किस तरह से तैयार करनी है, किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। चुनावों की रणनीति किस तरह से, देखिए हिमाचल में चुनाव है तो जरूर, चाहे एक पूरा सत्र ना हो लेकिन कुछ समय जो होगा उस अधिवेशन का वो हिमाचल को डेडिकेट जरूर होगा, और जो निर्णय लिए जाएंगे वो शायद सबसे पहले पार्टी के लेवल पे इंप्लीमेंट हिमाचल में ही होने जा रहे हैं, चुनाव यहां हो रहे हैं अक्सर। और जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि हमारी बारी है सत्ता की हिमाचल में, और जो संगठन में फेरबदल हुए हैं हायर लेवल पे उसके बाद तो संगठित भी बहुत नजर आ रही है, देखेंगे क्या होगा। और काश जी भाजपा के नजरिए से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहां तो अभी कुछ नया भी सामने आया नहीं है। हाँ ये जरूर है कि ग्राउंड लेवल पे वहां पे लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल करने के बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं, और ऐसे खबरें हमारी सामने भी आ रही है। भाजपा की बात कर लीजिए आप जरा। भाजपा बिल्कुल तैयार है अनिल जी, और कल भाजयुमो का राष्ट्रीय अभ्यास शिविर है जी, और ये इनके अध्यक्ष धर्मशाला पहुंच चुके हैं, और राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी धर्मशाला में हैं। तो आने वाले दो तीन दिन में जो युवा संगठन और मुख्य संगठन के जो नेता हैं वो हो सकता है एक साझा बयान जो है, साझा रणनीति पे जो है बात करें, और हो सकता है एक बयान भी सामने आए, तो उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि भाजपा की मेन काडर की और युवा जो मोर्चा है उनका, तो उस उनकी क्या एक साझा रणनीति होती है, और रणनीति के बाद क्या जो है वो संदेश जाता है। जी आपने बात की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की, हिमाचल के ही सपूत हैं, और आप देखिए चुनावी वर्ष है, पिछले कुछ दिनों में देखिए ये लगभग चौथी बार है कि जेपी नड्डा हिमाचल आ रहे हैं जी। पीछे भी उनका कांगड़ा का दौरा हो गया, रोड शो बड़ा अच्छा गया था उनका, काफी उत्साह था वहां पे लोगों के। आपने सही कहा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो पार्टी के नेता भी यहाँ होंगे, और पार्टी के नेता होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो ये यकीन ही है कि बैठ के बातचीत भी होगी। बातचीत होगी तो पहले से ही, जैसे हमारे पास पता है हमें कि ब्लू प्रिंट भाजपा ने बना लिया है कि अगस्त तक के कार्यक्रम क्या होने वाले हैं, अगस्त के बाद का नहीं है, इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि क्या पार्टी ऐसा सोच रही है, सरकार ऐसा सोच रही है कि चुनाव जो है हिमाचल में वो अगस्त के बाद करवा लिया जाए, और अगस्त के बाद महीना होता है सितंबर का, देखते हैं उसमें क्या होता है। हम नजर रखेंगे हिमाचल की सियासत पे।